होता है, ये सब आपको खुद पता करना चाहिए। प्लेसमेंट का भी मैं बहुत पहले ब्रीफ में बता दूं, फॉर ऑल मतलब इट इज ट्रू फॉर ऑल द कोर्सेस, ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन एंड फैमिली के लिए ही है। फॉर ऑल सोशल वर्क प्रोग्राम प्लेसमेंट के कुछ ऐसा होता है कि जैसे कुछ प्लेसमेंट तो आपकी कॉरपोरेट प्लेसमेंट हो सकती है। कॉरपोरेट प्लेसमेंट मतलब कि जैसे आजकल बहुत सारी कंपनी है जो गवर्नमेंट कंसल्टिंग के लिए काम करती है, कंसल्टिंग कंपनीज, इवन जैसे KPMG, इस तरह के जो ऑडिट कंपनीज हैं वो लोग भी कंसल्टिंग डिवीजन होता है उनको गवर्नमेंट कंसल्टिंग का, उसमें आप प्लेस हो सकते हो। और उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है आपका जैसे CSR, कॉरपोरेट में ही मतलब CSR कि कंपनीज अपने CSR डिवीजन के लिए हायर यू। थर्ड होता है CSR के भी दो वर्जन है, मतलब एक इंटरनल CSR, इंटरनल CSR जैसे कि CSR जैसे कि कोई कंपनी है जो FMCG की कंपनी है, दे कैन हैव अ डिपार्टमेंट ऑफ CSR सो दैट दे कैन यूज देयर मनी विच इज डिवोटेड टू CSR एक्टिविटीज वाइजली और इफिशेंटली, तो उसके लिए वो मैन पावर हायर कर सकते हैं। और एक आजकल बहुत अच्छा, एक अच्छा तो नहीं बोलेंगे मतलब एक एक नई तरह की कंपनी भी आई हुई है जो दूसरे कंपनी के पैसे को लेकर CSR करती है, ऑल्दो मतलब यू कैन काउंट इट एज NPOs ओनली, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओनली, नॉट NGO, NPOs। तो कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं तो उस तरह में भी प्लेसमेंट होता है वेयर द हायरिंग कंपनी विल बी डिफरेंट एंड द कंपनी विच इज डूइंग CSR इज डिफरेंट एंड यूल बी वर्किंग फॉर दैट प्रोजेक्ट्स। एक तरह का जॉब होता है जिसमें आपको मिनिस्ट्रीज के जॉब होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज जो है उनके यहाँ पे रेगुलर वो फेलोशिप्स का या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह के जॉब निकलते रहते हैं, वो भी आपको मिलता है ना। फोर्थ ऑप्शन है, अब जैसे ये दोनों गवर्नमेंट के ऑप्शन है, मिनिस्ट्रीज और सेकंड हो गया जो नॉन कमीशन जॉब है, जो नॉन कमीशन गवर्नमेंट जॉब्स जो बेसिकली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं पॉलिसीज हैं उससे रिलेटेड जो टेम्प्रोरी ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है उसमें हायरिंग होती है। जैसे मान लो कि यू कैन गेट प्लेसमेंट इन स्वच्छ भारत मिशन या फिर एनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कई सारी पॉलिसीज होते हैं जो दिखने में ऐसा लगता है कि सिर्फ पॉलिसीज हैं बट उसके अंडर बहुत सारे काम होते हैं। तो गवर्नमेंट ने अब उसको कमीशन जॉब वालों उसको हटाकर मतलब नॉट हटाकर उसको एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करती है जो उन पॉलिसीज पे के इम्प्लीमेंटेशन पे काम करती है, तो आप यहाँ भी प्लेस्ड हो सकते हो। फिर फिफ्थ ऑप्शन है आपके पास NGOs का, इसमें बड़े छोटे दोनों तरह के NGOs होते हैं, मल्टीपल स्पेशलाइजेशन के भी, डेवलप्ड स्पेशलाइजेशन पे भी NGOs होते हैं, स्पेसिफिक एरियाज के भी NGOs होते हैं, उसमें आप काम कर सकते हो। एंड इसके अलावा सिक्स्थ जो ऑप्शन है दैट यू कैन गेट इज थिंक टैंक्स। थिंक टैंक्स तो थिंक टैंक्स वो हो गई जो कंपनीज पर्टिकुलर डिसिप्लिन पे अपना रिसर्च करती रहती हैं और गवर्नमेंट को, नॉन गवर्नमेंट को, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को कंसल्टिंग देती हैं, तो कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो उनके लिए ये सब तो हुआ डायरेक्ट। इसके अलावा यू कैन गो फॉर रिसर्च, रिसर्च और एनी अदर अप्लाइड फील्ड जहाँ पे आपका बैकग्राउंड बहुत मैटर नहीं करता है, जैसे जर्नलिज्म वगैरह में भी जा सकते हो बाई डूइंग दिस कोर्स इफ यू आर गुड एट राइटिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट। तो ऐसे और भी प्रोफाइल्स क्रिएट होते हैं कई सारी कंपनीज में, बट ऊपर के जो 6 हैं ये आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक या स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक जॉब आपको यहाँ पे मिलता है। अब इन सब के अलग अलग प्लेसमेंट पैकेजेस होते हैं, मतलब लाइक इफ यू आर गेटिंग प्लेस्ड इन कॉर्पोरेट तो आपको थोड़ी ज्यादा सैलरी मिलेगी, इफ यू आर गेटिंग प्लेस्ड इन NGO तो थोड़ी कम सैलरी मिलेगी, बट लेटर यू कैन मूव अहेड, NGO से आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि यू विल बी स्टक एट एनी पर्टिकुलर प्रोफाइल, यू कैन गो अहेड इन दैट प्रोफाइल ऑल्सो। तो ये तो हुआ कि प्लेसमेंट का, तो ये कॉमन नॉलेज है, इट विल बी ट्रू फॉर ऑल द कोर्सेज दैट वी विल बी टॉकिंग अहेड। तो जो भी लोग प्लेसमेंट्स को लेके परेशान है या प्लेसमेंट्स को लेकर सर कंसर्न कौन आ रहा था? है तो
तो इस बात को समझे कि प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, बट ऐसा हम लोग एमबीए की तरह या फिर किसी और कोर्स की तरह जेनरिक प्लेसमेंट स्ट्रक्चर नहीं बता सकते कि जैसे मिनिमम मतलब लाइक एवरेज ये है या मीडियन प्लेसमेंट का ये, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो। और अपार्ट फ्रॉम एमएसडब्ल्यू कोर्स, व्हाट अदर स्किल्स यू आर डेवलपिंग इन यू, ठीक है, थोड़ी नेटवर्किंग और हर और भी चीजें मायने रखती है, तो नेट प्लेसमेंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक एक कंसिस्टेंट फिगर आपको नहीं मिल सकता है। इवन इवन यू कैन नॉट फाइंड इट थ्रू इंटरनल एजेंसीज और इंटरनल सोर्सेज ऑल्सो, बट ये है कि एवरीबॉडी गेट्स अपॉर्चुनिटी अगर आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा सीखते हो, करिकुलम में इन्वॉल्व रहते हो, फील्ड वर्क अच्छे से करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप मिस करोगे या अनएम्प्लॉयड रहोगे। इसके बाद एक जैसे इसके फर्दर अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, जैसे आप आगे बढ़ के पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हो, और आगे जैसे ट्राई करो तो आप एमबीए बाद में भी कर सकते हो। जैसे ग्राउंड लेवल पे अगर आपका वर्क एक्स है आफ्टर डूइंग सोशल वर्क, तो 3 ईयर या 4 ईयर के वर्क एक्स पे यू कैन गो टू एनी बिग बिजनेस स्कूल्स। इनफैक्ट बाहर के बिजनेस स्कूल्स, जो यूएस वगैरह के बिजनेस स्कूल्स हैं, दे प्रेफर स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज बैकग्राउंड। तो कल को अगर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अगर आपको एडमिशन चाहिए और आपकी अगर करंट प्रोफाइल इज नॉट सफिशेंट इनफ और वो आपको एलिजिबल नहीं बनाती है, कॉम्पिटेंट नहीं करती है, तो ये अगर आप ये कोर्सेस करके और 2-3 साल जॉब करते हो, तो वो आपकी मतलब एलिजिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, आपकी आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देर इज नो लिमिटेशन ऑफ कैरियर और लिमिटेशन ऑफ ग्रोथ इन दीज कोर्सेस। हाँ, अगर आप डायरेक्ट कंपैरिजन करो फर्स्ट प्लेसमेंट के फिगर्स पे, तो आपको कई बार दिखेगा कि सोशल वर्क इज लिटिल लेस देन एमबीए प्रोग्राम। तो जैसे आईआईएम्स वगैरह के प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें डायरेक्ट 15 लाख 20 लाख इस तरह के पैकेजेस लगते हैं। यहाँ आपको भले वो ना मिले, बट ऐसा नहीं है कि देर विल बी एनी डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज अहेड। तो इफ एनी वन लुक्स अहेड फॉर या लुक्स फॉर प्रोफाइल विच एक्चुअली मैटर्स फॉर वर्ल्ड, मैटर्स टू वर्ल्ड, आप इसमें जाते हो तो थोड़ी भी परेशानी मत रखो ये कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी या फिर अच्छा